हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू पवन पुरी पिट स्टॉप एंड टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो ऑन बैडमिंटन। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, और हमारा आज का टॉपिक है ऑन हाउ टू चूज अ बैडमिंटन शू या फिर ऑन हाउ टू चूज द राइट बैडमिंटन शू। तो दोस्तों जितना पैसा आप लोग एक अच्छे रैकेट में इन्वेस्ट करते हैं उसी तरह से आपको एक अच्छे जूते में भी पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए, क्योंकि अगर आपकी टांगों की और आपके पैरों की हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी तो आप बैडमिंटन खेल नहीं पाएंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, और वीडियो में कहीं पर भी आपको कोई भी चीज़ अच्छी लगे तो लाइक बटन दबाना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले ये जानने से शुरू करते हैं कि ऑन वेयर आर यू गोइंग टू प्ले। जी हाँ, इंडोर कोर्ट में खेलेंगे, हार्ड कोर्ट पे खेलेंगे या सैंड और सॉयल पे खेलेंगे। तो अगर आप इंडोर कोर्ट पे खेलते हैं जो वुड या विनाइल का है तो एक अच्छी क्वालिटी का ट्रू कुशन जूता जो है वो अपना काम कर देगा। वहीं अगर आप हार्ड कोर्ट पे खेलते हैं तो आपको तीन लेयर वाला पावर कुशन प्लस, जो योनिक्स की लैंग्वेज में अगर हम कहें अर्गो प्लस के नाम से भी इनके जूते जो हैं वो जाने जाते हैं, तो ये वहाँ पे बेस्ट रहेंगे। और अगर आप सैंड या सॉयल पे खेलते हैं तो ट्रू कुशन या एक लाइट क्वालिटी का ट्रू कुशन जो है जो फ्लैटिश हो, जिसका सोल, वो अपना काम कर देगा। और वहीं आपके लिए सही जूता सेलेक्ट करने में किन किन रिक्वायरमेंट्स पे हमें ध्यान देना चाहिए, लुक्स एंड अपील की अगर हम बात करें तो ये दोनों ही जूते, इनके कलर्स जो हैं काफ़ी अट्रैक्टिव और काफ़ी टेम्पटिंग हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि ये दोनों जूते उतने ही प्रोडक्टिव हों। वहीं यहाँ ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि आपके जूते की लेंथ जो है वो एकदम एक्यूरेट होनी चाहिए, क्योंकि जूता अगर लंबा होगा तो आपका पैर उसमें मूव करता रहेगा तो आपको ग्रिप अच्छी नहीं मिलेगी। जूता अगर छोटा होगा तो आपको काटेगा, जिसकी वजह से कम्फर्ट जो है कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। वहीं अगर आपका पैर नैरो है और जूता चौड़ा है लेकिन लेंथ प्रॉपर है, तो ऐसे में एक अच्छी क्वालिटी का फुल इंसोल अगर आप डालें तो जूते की फिटिंग ठीक हो सकती है। लेकिन ध्यान दीजिए कि कंपनी टू कंपनी साइजेस और बनावट वेरी करते हैं। तो वेट को यहाँ पे हम तीन कैटेगरीज में डिफाइन करेंगे, हैवी वेट, मिड वेट और लाइट वेट। तो हैवी वेट तो हम नहीं लेंगे क्योंकि उससे जो है हमारी मूवमेंट जो कोर्ट पे वो काफ़ी स्लो हो जाएगी। वहीं लाइट वेट शू की बात करें तो ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि लाइट वेट शू तो आपको मार्केट में बहुत मिल जाएंगे, लेकिन आपको एक ऐसा जूता चाहिए जो हर तरह से ओवरऑल आपको ड्यूरेबल, कम्फर्ट, आपको सपोर्ट भी दे। लेकिन मेरी एडवाइस ये है कि जूता जो है लाइट वेट की तरफ रहे, तभी जो है बेटर है और आपकी कोर्ट में मूवमेंट काफ़ी फास्ट हो जाती है। तो वहीं अगर आपने हल्की क्वालिटी का ट्रू कुशन जूता लिया, जैसे कि ये है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे, ये देखिए ये जो पीस है जो यहाँ पे सेंटर में, एक्चुअली ये थोड़ा सा हार्ड फाइबर का या प्लास्टिक का कुछ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये है फोम, मतलब बहुत ही जल्दी कुछ ही टाइम के खेलने के बाद ये बहुत ईजीली जो है बेंड हो जाएगा, जिससे कि पंजे और हील पे दबाव पड़ेगा, वहीं आपके जॉइंट्स पे भी जो है। वहीं अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा बेटर क्वालिटी का ट्रू कुशन अगर आप जूता लेते हैं, ये जूता मेरे ख्याल से आप लोगों ने अगर मेरे वीडियोस देखे होंगे तो ये वही जूता जिसे साल भर तकरीबन मैंने यूज़ किया है और इससे मैं खेल रहा हूँ, और काफ़ी अच्छा जूता है। और वहीं ये आप नीचे अगर आप देखेंगे, इसका सोल का डिज़ाइन डिफरेंट है, और यहाँ पर आप देखिए ये एक फ़ाइबर प्लास्टिक की शीट है, और ये भी कुछ प्लास्टिक और फाइबर मिक्स्ड है, इसका मतलब ये हार्ड है और ये आपका बेंड नहीं होगा उतनी आसानी से, मतलब ये कि आपको हील पे और पंजे पे सपोर्ट बहुत अच्छी रहेगी। तो आपके पास ये भी एक ऑप्शन हो सकती है। नॉर्मली जो आर्क्स होते हैं सोल के या जूते के, ये आर्क की मैं बात कर रहा हूँ, ये अगर थोड़ा डीप रहे तो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि क्या है कि जो स्पोर्ट्समैन होते हैं उनके पैर के नीचे जो हम जिसको प्लांटर फेशिया कहते हैं, जो एक रबर बैंड तरह का होता है जो पंजे और हील को जो है जोड़ता है, तो जो आप पैर रखते हैं तो वो स्ट्रेच होता है और कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसको जो है काफ़ी हद तक सपोर्ट अच्छी मिलती है और इतनी जल्दी जो है फटीग नहीं होता। तो ये जूता मुझे अंदर भी मैं देख रहा हूँ कि ऑलमोस्ट फ्लैटिश है, कोई बहुत बड़ा आर्क नहीं है इस जूते में। वहीं इसमें जो है आपको रीजनेबल अमाउंट ऑफ आर्क मिलता है, हालांकि इसमें भी बहुत हाई आर्क नहीं है। तो इनकेस अगर आप हाई आर्क जूता लेना चाहते हैं, मतलब अगर आपका आर्क जो है ये थोड़ा सा हायर है, तो आप पावर प्लस या पावर कुशन के जो जूते हैं उनमें से कुछ ऑप्ट कर सकते हैं। तो बात करें सोल टाइप्स की, तो यहाँ पे एक तो है बेसिक ट्रू कुशन सोल, और दूसरा ये है आपका ट्रू कुशन एडवांस है, एक आपका पावर कुशन होता है, एक होता है पावर कुशन प्लस। तो यहाँ पे आपको बताऊँ कि पावर कुशन जो है वो नॉर्मल जो आपका ट्रू कुशन है उससे कुछ 33% ज़्यादा उसमें अब्जॉर्प्शन और सपोर्ट रहती है, और वहीं पावर कुशन प्लस जो है कुछ 18-20% ज़्यादा सपोर्ट और एब्जॉर्प्शन रहती है उसकी पावर कुशन से, अगर हम कंपेयर करें तो। और आपने काफ़ी सारे एक चैलेंजेस देखे भी होंगे यहाँ पे, कि जहाँ पे एक पावर कुशन के ऊपर जो है
योनिक्स ने एग ड्रॉप किया तो बताया कि किस तरह से वो कितना बाउंस करता है और कितनी उसकी एब्जॉर्प्शन है। तो सोल सिलेक्शन की बात करें तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हल्की क्वालिटी का है या बेटर क्वालिटी का, हैवी क्वालिटी का। तो जैसे कि ये हल्की क्वालिटी का, तो मैं अगर आप किसी स्टोर पर जाते हैं तो वहाँ पे आप एक पैर में ये वाला जूता और एक में कोई नॉर्मल स्पोर्ट्स शू अगर डाल के चलेंगे तो आप देखते हैं आजकल स्टोर्स पे टाइल्स जो है ज़मीन पे काफ़ी कॉमन हो गई, तो अगर आप उस पर चलेंगे तो आपको क्लियरली दिखेगा कि ये जो है पकड़ के चल रहा है और जो नॉर्मल स्पोर्ट्स शू है वो थोड़ा सा जो है फिसलता है। लेकिन वहीं ये भी देखने वाली बात है कि जैसे ये थोड़ा सा हल्की क्वालिटी का जूता है तो ये जो है इसका सोल बहुत जल्दी जो है घिस जाएगा, वहीं थोड़ी सी बेटर क्वालिटी का अगर है तो उसकी ड्यूरेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा रहेगी। और यहीं पे आप नीचे सोल का डिफरेंस भी देख सकते हैं, इसकी सोल की बनावट डिफरेंट है और यहाँ पे ये होल के साथ जो प्लास्टिक फाइबर है ये एक अलग से कुशनिंग की लेयर दी हुई है, एरोडायनेमिक पूरा बना रखा है, पीछे सोल की कटिंग अलग है जो ज़्यादा बेटर आपको ग्रिप और कुशनिंग देता है। तो सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए कि ट्रू कुशन एडवांस है, तो ध्यान रखिएगा कि ट्रू कुशन ही है जूता जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन ये ट्रू कुशन एडवांस है, उसकी कुछ इस तरह से जो है आपको पहचान मिल जाती है। तो बिल्ड ऑफ द शू माने ड्यूरेबिलिटी, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जब आप जूता सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि जब हम ड्यूरेबिलिटी की बात करते हैं तो हम इसको एज एन एंटायर पैकेज देखते हैं, मतलब आपका सोल जो है वो भी ड्यूरेबल है, ऊपर का मटेरियल भी सपोर्टिव है और आपको कंफर्ट देता है, वहीं यहाँ पे भी आपको एंकल सपोर्ट अच्छी मिलती है। तो अगर आपका जूता ड्यूरेबल है तो वो डेफिनेटली पर थंब रूल कंफर्टेबल भी होगा और उसमें सपोर्ट भी मिलेगी। लेकिन यहाँ पे ये देखना भी बहुत ज़रूरी है कि क्या क्या मटेरियल्स जो हैं जूते में यूज़ होते हैं। तो वहीं आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मैश है, कार्बन फाइबर मैश है, ये आपको सिंथेटिक लेदर मिक्स्ड है, लेदर मिक्स्ड है, और यहाँ पे आपको सोल जो है उसमें रबर, और यहाँ पे आपको जो है फोम मिल जाता है। वहीं आपको ये जूता क्योंकि यूज्ड है कुछ साल भर, उसके बावजूद भी इसकी सपोर्ट जो है आपको अच्छी मिलती है और कुशनिंग काफ़ी ज़्यादा मोटी है, और वहीं अंदर की लेयर भी जो है इसमें आपको बहुत अच्छी कुशनिंग मिल जाती है। तो सबसे आसान ये है कि आप स्टोर पे जाएं, जूते को पहने और थोड़ा सा चलेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि सोल की सपोर्ट जो है वो अच्छी है कि नहीं। वहीं क्योंकि आपने खेलना है तो जब आप भागते आगे पीछे भागते हैं तो ये हिस्सा जो है पंजा जो है आपका काफ़ी मुड़ता है, तो ये एरिया जो है यहाँ पे जो है मटेरियल जो है वो सॉफ्ट होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे एक सॉफ्ट लेदर और मेश की मिक्स है, तो ये जब बेंड होता है तो मुझे उंगलियों में, उंगलियों के ऊपर जो थोड़ा एरिया होता है वहाँ पे ये टच करता है तो मुझे दर्द नहीं होती, मुझे ये कुशन जो है इसके अंदर वो बहुत सॉफ्ट जो है फीलिंग आती है, तो मुझे ज़रा भी तकलीफ़ नहीं होती। लेकिन वहीं ये एक आपको दिखाता हूँ मैं जूता, ध्यान से अगर आप देखें ये अजीब सा, ये देखिए आवाज़ आ रही है, ये अजीब सा रबरी एक चीज़ है विनाइल का या पीवीसी का है, तो ये डेफिनेटली कुछ टाइम बाद मुड़ते मुड़ते ये जगह जो है कटने लगेगी और आपको उंगलियों पे हर्ट करेगा, तो ये ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे देखिए जूता इस तरह से है, तो ये आपकी टांग यहाँ से पैर आपका आता है, तो यहाँ पे जब आप लैंड करते हैं तो कंपैरेटिवली सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो इसी जगह पे होता है, इसलिए जूते का सोल यहाँ पे सबसे ज़्यादा मोटा होता है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको कुशनिंग मिलती है, तो ये देखना ज़रूरी है। और उसके बाद ये जो एंकल का सपोर्ट है, ये देखिए इसको हम हिंदी में बोलते हैं फर्मा या फिर काउंटर हील सपोर्ट बोलते हैं, तो ये हार्ड होती है, ये एरिया काफ़ी हार्ड होता है और ये इस तरह की डिज़ाइन में होता है, इस तरह से ऐसे कप लगा होता है और इस तरह से, तो उसके बाद जो है इसके ऊपर कुशन जो है उसे रैप किया जाता है जिससे कि सपोर्ट जो है थोड़ी सी सॉफ्ट और बढ़िया हो जाए। तो इसमें क्या है कि जब अगर ये हाथ से बैंड हो रहा है इजीली, अगर आप इसको बैंड कर पा रहे हैं तो इसका मतलब ये बहुत ही हल्की है, क्योंकि जब आप खेलेंगे ग्राउंड पे तो आपका पांव जो है इस तरह आगे पीछे होता है, तो ये जो एरिया है ये बहुत सॉलिड होना चाहिए ताकि आपको कोई भी एंकल की या इनडायरेक्टली कोई नी की इंजरी ना हो जाए। तो दोस्तों आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आपके कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी एक्सपीरियंसेस हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं उसका जवाब दूंगा। और तब तक अच्छे अच्छे वीडियोस देखिए, अच्छी अच्छी सेहत रखिए, कोरोना से बचे रहिए, मास्क जरूर लगाइए, एंड हैव अ ग्रेट डे।